तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो लोन अमाउंट अनलॉक हुआ है वो यहाँ पे 90,000 रुपये का हुआ है। ओके, और इसको हम टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं कितने महीने के लिए चाहिए। ओके, एंड इस वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे, इस एप्लीकेशन से आपको कैसे लोन लेना है, क्या प्रोसेस है A to Z। ओके, तो गाइस एप्लीकेशन हमें प्रेफर एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलता है, इसमें आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं क्या प्रोसेस होगा। ओके, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एंड एप्लीकेशन ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपको ईजिली आप लोन ले सकते हैं, रीपे कर सकते हैं सब कुछ। ओके, इंस्टेंट आपको कैश में बैंक मतलब कैश मिलता है आपको बैंक अकाउंट में आपके, उसके बाद पर्सनलाइज ऑफर मिलते हैं आपको के एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपकी। देन नेक्स्ट, ओके, अब सबसे पहले जब यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आपसे बोला जाएगा अपना ईमेल आईडी आपको दे देना है। ओके, और एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर देना है, फिर इस बॉक्स को जो है इसको मतलब क्लिक कर देना है, अग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, उसका नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला जाएगा आपसे वी हैव सेंट अ 4-डिजिट OTP गिवन फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आपको OTP फिल कर देनी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये परमिशन होगी, परमिशन सिंपली आपको अलाउ करना है, नीचे आई एग्री के बॉक्स पे क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो आई एग्री लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इसका इंटरफेस होगा, यहाँ पे लोन हो गया, ट्रैक क्रेडिट स्कोर, हेल्थ कार्ड वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं। लोन अप्लाई करने के आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक हेयर पे कर देना है क्लिक, एंड अब लोन अप्लाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे बोला जाएगा आपको वाइल अप्लाइंग फॉर अ लोन प्लीज़ डू नॉट यूज़ समवन एज डिटेल, यानी आपको यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी, जो भी डिटेल्स वो अपनी फिल करिए अगर आप अपना लोन अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल फिल कर देनी है, एंड अग्री एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपकी मेन डिटेल शुरू हुई, आपको जो फिल करनी है सबसे पहले आपको पैन कार्ड देना है। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी पैन कार्ड पे जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो टाइप कर देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देनी जो आपके पैन कार्ड पे हो, डिज़ायर्ड लोन अमाउंट यानी जितने रुपए का आपको लोन चाहिए वो बता देना है कि आप कितने रुपए का चाहते हैं लोन। ओके, फिर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है, नीचे प्रोसीड के बटन पर फिर क्लिक करना है, इस डिटेल को फिल करेंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैसे आएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा आपको बताना है क्या है, मेल है या फीमेल है, पैन कार्ड नंबर एंटर कर देना, इसी से आपके लोन जो आपको मिलेगा वो यहाँ से अनलॉक होगा जो भी अमाउंट होगा। ओके, पिन कोड आपको बता देना है जिस एरिया में आप रहते हैं, एंड पर्सनल ईमेल आईडी यानी आपकी जो भी अपने मोबाइल में ईमेल आईडी होती है वो एंटर कर देनी जब यूज़ करते हैं, गेट ऑफर के बटन पर करना है क्लिक, इतना करते हैं देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोन अमाउंट जो हमारा 1,04,000 रुपये का अनलॉक हुआ है, ये आपके पैन कार्ड के बेसिस पे मिलता है क्योंकि पैन कार्ड से आपका क्रेडिट हिस्ट्री पूरी अनलॉक हो जाती है, सारी डिटेल पता चल जाती है कि आपने कितने का लोन लिया है, रीपेमेंट टाइम पे किया है कि नहीं, क्या आपका सिविल स्कोर है सब कुछ। ओके, ये फाइनल ऑफर नहीं, ये एक आपको अप टू दिया गया है। ओके, बाकी आप जो अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे तो लोन अमाउंट जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया गेट योर फंड्स फास्टर इवन ओनली विद प्रेफर। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करी है तो यहाँ पे मेरा अमाउंट जो है वो 90,000 रुपये बन के आ चुका है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे इसको हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, 3 महीना 6 महीने 9 महीना सारी हमको यहाँ पे टाइम दे रखा है। ओके, कि कितने टाइम में हम लोन का रीपे करेंगे, फिर नीचे डिसबर्समेंट देख सकते हैं कितना है, 89,000 यानी 89,320 रुपये जो है मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। ओके, हर महीने कितनी ईएमआई जाएगी, 15,080, कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। ओके, ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बोला जाएगा आपसे सेल्फी लेने के लिए आपको सिंपली एक अपनी फ़ोटो खींच लेनी है फ्रंट कैमरे से, फिर प्रोसीड के बटन पे क्लिक। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला जाएगा कि आपका आधार KYC आपको कंप्लीट करनी होगी, तो बोल रहे आपका जो आधार कार्ड से लिंक्ड नंबर है वो यही है, येस या नो। ओके, फिर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो है आपके आधार कार्ड नंबर आपको सिंपली एंटर करना है इस बॉक्स में, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ये डिजी लॉकर से आपको पता होगा कि हर एप्लीकेशन से डिजी लॉकर से वेरीफाई होता है, गवर्नमेंट एप्लीकेशन है डिजी लॉकर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मोबाइल हमने अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दिया, अब आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आई है, वो OTP हमको इस बॉक्स में फिल करनी है, और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक। ओके, यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्लीज एंटर 6-डिजिट सिक्योरिटी पिन टू साइन इन, आपको सिक्योरिटी पिन आपने जो डिजी लॉकर में बनाई थी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, नहीं अगर आप भूल गए तो फगेट पे कर लीजिएगा, फिर से बना सकते हैं पिन। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा आपको देख सकते हैं आधार कार्ड वेरीफिकेशन ये सारी चीज़ें हो गई है, एंड आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो है डिजी लॉकर से KYC कंप्लीट हो चुकी है, तो पैन आधार हमारा वेरीफाई हो चुका है, सेल्फी भी हो गई, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपसे बोला जाएगा सिंपली आपको अपना बैंक नेम जो है सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका बैंक अकाउंट है। ओके, बैंक अकाउंट जो भी PNB मेरा है तो हम यहाँ पे PNB सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपसे बोला जाएगा अकाउंट नंबर एंटर करना है जो आपका है जिसमें आपको लोन के पैसे चाहिए, कंफर्म कर देना है लोन अकाउंट नंबर अपना, IFSC कोड आपको एंटर कर देना है,
ओके आपके पासबुक पे ही मिल जाएगा आपको। फिर बोलेंगे आपसे यहाँ पे कि आपको टू मेथड है आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए मैंडेट के लिए। ओके मैंडेट आप कर सकते हैं डेबिट कार्ड या फिर आपका नेट बैंकिंग, दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हैं। ओके फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे आएंगे, देख सकते हैं ये लोन जो है पर्सनल लोन अग्रीमेंट है। ओके तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है कितना जो है हमारा अमाउंट डिसबर्स्ड है। ओके तो यहाँ पे कुछ देर के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो है लोन डिसबर्स का एक मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आया था, ये थोड़ी देर बाद आता है 2-4 मिनट के बाद। ओके जब आप नेक्स्ट जो ऑटो डेबिट है वो कर लेंगे तो हम सब कुछ कर चुके थे, तो मेरा यहाँ पे 1,04,000 का जो है अमाउंट डिसबर्समेंट आ गया। ओके पर अमन जो है 15,000 रुपये की ईएमआई बनेगी, सब कुछ यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है इस एप्लीकेशन से लोन, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो अलग अलग लोन एप्लीकेशन है, स्टूडेंट लोन ऐप, पर्सनल लोन ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप, सबको ट्राई कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से लोन ज़रूर मिल जाएगा। ओके तो वीडियो को एंड करें, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।